रविकांत के कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित 32 डॉक्टरों को नियुक्त नहीं देकर अपने परिजनों और करीबी लोगों को नियुक्ति दे दी गई। देव जी की शोभा यात्रा में जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की है।
Yes, sir.
शोभा यात्रा निकल रही है पूरा जयपुर, कितने उत्साह के साथ इसे मना रहे हैं। हम 2.5 साल बाद फिर इस महोत्सव को बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं पूज्य आचार्य चरणों की सन्निधि में, और जन्माष्टमी सर्वेश्वर प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ऐसा कोई वायरस हमारे हिंदुस्तान में नहीं आए, हमारे सामाजिक राष्ट्रीय और धार्मिक कार्यक्रम अनवरत रूप से इसी उल्लास के साथ चलते रहें, देश भर में खुशहाली रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको ये चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के मुखिया मुख्यमंत्री साहब भी शामिल हुए, कई मंत्री भी इस पूरे महोत्सव में भागीदार हो रहे हैं। जी जी ऐसा है, ये तो उल्लास है सर्वेश्वर। देखिए आस्था का केंद्र भारत सर्व संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ सर्व धर्मों का सम्मान है। भारतीय संस्कृति इतनी रची बसी है कि ये पता ही नहीं लगता कौन सा त्यौहार कब कौन लोग मना रहे हैं। हमारी सामाजिक समरसता का यही तो खेल है, और गुलाबी नगरी तो इसके लिए पहचान है सर। इसी भाव से मैं प्रवीण बड़े भैया आप सबके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देता हूँ, नंद महोत्सव की बधाई देता हूँ। जय जय श्री राधे। शुक्रिया। पूरे जयपुर में रथ यात्रा का, शोभा यात्रा का ये उल्लास देखने को मिल रहा है। चारों तरफ गुलाबी नगरी का ये जो पूरा परकोटा है, इसमें ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। खूबसूरती से झांकियां सजाई गई है। रथ यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे, और छोटी काशी के नाम से मशहूर गुलाबी नगरी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव में पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। हम आपको यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर की वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसमें रथ यात्रा में कई लोग शामिल हो रहे हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए। पूरा ये शहर गुलाबी नगरी आज पीला पीला नजर आ रहा है। इसके अलावा 2 दिन से चले आ रहा ये महोत्सव, आज ये आखिरी दिन है, और पूरा जयपुर इसमें शिरकत कर रहा है।